हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्री राहुल किचन। मैं हूँ प्रियंका। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मंचूरियन की रेसिपी, दैट इज वेज मंचूरियन रेसिपी। टुडे आई एम गोइंग टू शो यू वेरी वेरी यमी मंचूरियन आज हम बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं चुकंदर, दैट इज बीट रूट, कैरेट, कैप्सिकम, अनियन एंड कैबेज। ये सब फाइनली चॉप्ड है। इसके बाद हमारे पास है ऑल पर्पज फ्लावर, दैट इज मैदा। दिस इज कॉर्न फ्लावर। दिस इज रेड चिली सॉस, सम ब्लैक पेपर पाउडर एंड दिस इज सॉल्ट। तो आइए हम बनाते हैं मंचूरियन। सबसे पहले एक बाउल में हम मैदा, कॉर्न फ्लावर और इसे अच्छे से बाउल में ऐड कर लेंगे। उसके बाद ये जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमने बारीक चॉप करके रखे हैं, इन सब का हाफ हाफ पार्ट इसमें ऐड कर लेंगे। हाफ पार्ट हम बाद में ग्रेवी के लिए रहने देंगे। सब हम हाफ हाफ ऐड कर लेंगे, कैरेट, बीटरूट, कैप्सिकम, कैबेज, अनियन एक्सेट्रा। इसके बाद हम ऐड करेंगे सॉल्ट। इनकी हम बॉल्स बनाने जा रहे हैं। फिर ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर पाउडर एंड रेड चिली सॉस। मंचूरियन कई टाइप का बनता है, लिक्विड मंचूरियन, ड्राई मंचूरियन। दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू शो यू। इसे हम अच्छे से प्लेट में लेके और हाथों से इसे रेडी करेंगे। थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसमें हम ऐड करेंगे ताकि इजीली इसकी बॉल्स बन सके। चाहे तो आप पानी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये इजीली डफ रेडी हो जाएगा तो आप पानी ऐड नहीं करें। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर हम लेंगे और अपनी हथेलियों पे लगा के हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। स्टफिंग रेडी करेंगे हम। इनकी बॉल्स बना के चारों तरफ कॉर्नफ्लोर को रैप करके हम बॉल्स रेडी कर लेंगे। बॉल्स आप छोटी बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी मंचूरियन बनने जा रहा है, बच्चों को ये जरूर पसंद आएगा। सारी बॉल्स हम रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने बॉल्स रेडी कर ली है। एक पैन में मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था, वो अच्छे से गरम हो गया है, तो इन्हें हम डीप फ्राई कर लेंगे। बॉल्स को आप अच्छे से क्रिस्पी फ्राई करें। मीडियम टू लो फ्लेम पे इन्हें आप फ्राई करेंगे ताकि डीपली अच्छे से फ्राई हो जाए। सारी बॉल्स हम फ्राई कर लेंगे और उन्हें निकाल के रख देंगे। देखिए क्रिस्पीनेस हो गई है इसमें, तो इन्हें हम निकाल लेंगे। देखिए ग्रेवी के लिए हमारे पास है चॉप्ड गार्लिक, दैट इज लहसुन, चॉप्ड स्प्रिंग अनियंस, जो ग्रीन अनियंस आते हैं उनको मैंने ऐड किया है। दिस इज सोया सॉस एंड रेड चिली सॉस। दिस इज कॉर्नफ्लोर एंड दिस इज सॉल्ट टू टेस्ट। थोड़ा सा केचप सॉस भी इसमें हम ऐड करेंगे। अब एक पैन में हम ऑयल ले लेंगे और उसे गर्म होने के बाद हम ऐड करेंगे चॉप्ड गार्लिक, दैट इज लहसुन। लहसुन को आप बिल्कुल फाइनली चॉप कर लेंगे और उसे फ्राई करेंगे स्टार्टिंग में। एक दो मिनट फ्राई करने के बाद ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियंस। इसके बाद हम ऐड करेंगे जो बाकी की रिमेनिंग वेजिटेबल्स थी वो। यहाँ पे हम पूरा ऐड कर देंगे।
और यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे ताकि इजीली सब्जियाँ फटाफट से कुक हो जाए, पक जाए। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए आप इसे होने देंगे। इधर आप एक बाउल, उसमें आप ऐड करेंगे कॉर्नफ्लोर पानी और अच्छे से उसे मिक्स करेंगे जब तक इसमें जो लम्स हैं वो पूरी तरह से हट ना जाए। फिर इसमें आप ऐड करेंगे सोया सॉस। ये बैटर हम ग्रेवी में मिक्स करने के लिए ऐड करने जा रहे हैं। इससे ग्रेवी अच्छे से थिक हो जाएगी, इससे ग्रेवी बहुत अच्छी हो जाएगी। कॉर्नफ्लोर ग्रेवी को थिक कर देता है, अच्छा कर देता है। तो ये इसके लिए हम रेडी कर रहे हैं। वहां पे हम चेक करेंगे सब्जियां अच्छे से पकी है कि नहीं। एक दो मिनट और होने देंगे हम। उसके बाद सब्जियां अच्छे से फ्राई हो गई है, अच्छे से पक गई है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे जो बैटर हमने रेडी किया था, सोया सॉस और कॉर्नफ्लोर का। उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे पानी उसी बाउल में लेके, क्योंकि अभी इस ग्रेवी को होने में टाइम लगेगा तो पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो आप पानी ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर पानी को पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, ग्रेवी अच्छे से पूरी अपने आप में एब्जॉर्ब हो जाएगी। अब ऐड कर देंगे रेड चिली सॉस और थोड़ा सा टोमेटो सॉस, दैट इज केचप सॉस फॉर सम स्वीटनेस। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इस ग्रेवी को हम होने देंगे, पकने देंगे इसे हम। थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्ची यहाँ पे हम और ऐड कर देंगे। बस आपको और कुछ ऐड नहीं करना है। रेड चिली सॉस हमने ऐड कर दिया है तो अपने आप में तीखा बना जाएगा। और अब इस ग्रेवी को हम होने देंगे। मंचूरियन आप एज अ ब्रेकफास्ट या फिर इवनिंग में टी टाइम में ले सकते हैं। दिस इज आल्सो पार्टी स्नैक। देखिए ग्रेवी अच्छे से पक गई है, अच्छे से हो गई है ग्रेवी। अब हम ऐड करेंगे बॉल्स जो हमने क्रिस्पी कर ली थी, डीप फ्राई कर ली थी। सारी बॉल्स ऐड करने के बाद हम इसे ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे क्योंकि बॉल्स ऐड करने के बाद इसे हमें 4-5 मिनट के लिए और पकाना है ताकि बॉल्स फुल्ली ग्रेवी में मिक्सअप हो जाए। इसे हम कवर कर देंगे और इसे पकने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए। उसके बाद हम चेक करेंगे, देखिए ग्रेवी भी थिक हो गई है और बॉल्स फुल्ली ग्रेवी में मिक्स हो गई है। बिल्कुल आपका वेज मंचूरियन तैयार है फॉर सर्विंग। इसे आप जरूर जरूर ट्राई कीजिए और टेस्ट करके बताइए। If you like my recipe, then please, please share it to your friends and family, and don't forget to subscribe my channel. Please comments below. This is my channel. Please subscribe it. Okay. See you with the next recipe. Bye bye.